हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय वीडियो। आइए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक ईयरलोब की एक और वीडियो लेकर आई हूं। मैंने पहले भी दो वीडियो ईयरलोब की डाली हुई है, उनमें कुछ डाउट्स थे वो क्लियर करने के लिए मैंने एक वीडियो और बनाई, क्योंकि उनमें जो कमेंट किए हुए थे मैं वो वाले डाउट क्लियर करने के लिए आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखना मेरी ये वीडियो और मैं इसमें कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी एंड में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और देखना मैंने कैसे ईयर लोब किया। इसमें फ्रेंड्स, बिना टांके के बिना दर्द के ईयर लोब होता है और ये सिर्फ एक मिनट का प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और हमारे कान बहुत अच्छे से बंद हो जाते हैं। जैसे आपने पहली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मैं चाहूँगी मेरी ये वाली वीडियो को भी आप एंड तक देखें और देखें मैंने आपके क्या डाउट्स क्लियर किए हैं इसके अंदर और क्या बताया है। ये देखिए सर, जैसे आपने पहले वीडियो में देखा, सबसे पहले मैंने इनके ईयर को अच्छे से डिटॉल से साफ किए थे, उसके बाद मैंने एक ईयर लोब नाम से जो लोशन आता है मैंने थोड़ा ईयरबड में हल्का सा लोशन लिया और इनके जो होल था उसके राउंड के चारों तरफ घुमा दिया। उसके बाद अच्छे से हम इसको बैंडेज लगाएंगे। ये देखिए, जो डॉक्टर टेप आती है मैंने वो कट करके वो टेप लगाई और देखिए, वैसे इनका ज़्यादा बड़ा होल नहीं है, इनका नॉर्मली होल है, लेकिन कोई बात नहीं, इनका मन था बंद कराने का तो मैंने इनका होल ये पहले वाले प्रोसेस से ही बंद किया। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ईयरबड में हल्का सा लोशन लिया। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लोशन लगाना होता है, ज़्यादा नहीं लगाना, और फिर हम इसको अच्छे से बैंडेज कर देते हैं और फिर 3-4 दिन के बाद इनके जो ये मैंने टेप लगाई है वो टेप मैं खोलूँगी। खोलने के लिए दोबारा फिर शॉप पे बुलाऊँगी इन्हें और फिर चेक करूँगी मेरा जो सोल्यूशन था, जो लोशन था, उसने काम किया कि नहीं किया। वैसे ऐसा नहीं होता कि काम ना करे, फिर भी अगर कोई 10% 2% चांस होते हैं, अगर थोड़ा बहुत डाउट होता है तो मैं दोबारा से ठीक कर देती हूँ। ये जो डाउट्स थे स्किन को लेकर थे, जैसे कई मेरी सिस्टर्स को शुगर होता है, उनका ये थोड़ा सा जो हमारा जख्म निकलता है लेट ठीक होता है, लेकिन इसमें उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर नॉर्मल शुगर है तो उसमें भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा जख्म का ध्यान रखना पड़ता है बस। कई बार ऐसा होता है हमारे स्किन के अकॉर्डिंग कईयों का जख्म थोड़ा सा 8 दिन में ही ठीक हो जाता है और कई का थोड़ा 15-20 दिन ले लेता है, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाता है और हम जैसे मर्जी फिर इसको अच्छे से दोबारा, हमें कान में होल करवाना पड़ता है। मेरी एक सिस्टर ने कमेंट करके पूछा था कि हमारा होल वही छूटता है, छोटा होता है, या हमें दूसरा होल करवाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये मैं पूरा बंद करूंगी, इसमें कोई भी होल नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं इसी का होल छोड़ती हूं तो ये दोबारा से जल्दी दोबारा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं चलता। और अगर मैं थोड़ा सा जगह छोड़कर, हल्की सी जगह छोड़ के मैं दोबारा से छिदवाने की सलाह देती हूँ तो हमारा बिल्कुल एकदम से ऐसे रहता है जैसे हमने फ्रेश बिंदवाया हो। तो इसलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा केयर रखें और जहाँ से पहले होल था उससे थोड़ा सा छोड़ के दोबारा बिंदवाएं। ये भी कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन था जो मैंने क्लियर किया। और ये देखिए, और सिर्फ अगर नॉर्मल हमारी स्किन है, हमें कोई शुगर वगैरह नहीं है, तो ओनली 15 दिन में ही हमारे कान बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। अगर किसी की स्किन में थोड़ी प्रॉब्लम है, किसी का जख्म लेट ठीक होता है, किसी का जल्दी हो जाता है, तो उसे 5-10 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए, मेरी शॉप पर रोज़ 2 या 3 ईयर लोब आ जाते हैं। मैं उनकी वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आती हूँ। फ्रेंड्स, अगर अब भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का बहुत अच्छे से जवाब दूंगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कान इतने बड़े ना हो, कान का छेद इतना बड़ा ना हो, उसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। जैसे हम ये घर में बैंडेज यूज करते हैं, वैसे तो ईयर लोब नाम से एक टेप आती है, बिंदी की तरह की होती है, गोल गोल, हम पीछे की साइड उसको चिपका लेते हैं होल के ऊपर, और फिर हम अगर इयररिंग डालेंगे तो हमारे कान पर वजन नहीं आएगा, क्योंकि वो टेप जो हमने लगाई है वो सपोर्ट करेगी। तो अगर आप ईयर लोब नहीं कराने चाहते, आपके छेद इतने बड़े नहीं हैं, थोड़े ही बड़े हैं, तो आप उनकी केयर ऐसे कर सकते हैं, जब भी आप पार्टी फंक्शन में बड़े इयररिंग पहने तो पीछे की तरफ एक छोटी सी टेप लगा लें। ये टेप मार्केट से भी मिलती है, अगर किसी के पास नहीं है तो मार्केट से मिलती है, मेरे पास भी होती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, तो जैसे भी आप चाहें ले सकते हैं। और अगर किसी के पास ये टाइम नहीं है खरीदने का, या उसके पास नहीं है, तो इसका एक घरेलू नुस्खा भी है जिसे आप लगाकर अपने कान में इयररिंग डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक जो डॉक्टर टेप लगाते हैं प्लास्टिक की, उसमें छेद होते हैं, एक कपड़े वाली टेप होती है, एक प्लास्टिक वाली टेप होती है। जो प्लास्टिक वाली टेप होती है उसमें हल्के हल्के होल होते हैं, छेद होते हैं, तो आप पीछे की तरफ वो वाली टेप लगाएं और फिर इयररिंग डालें, फिर देखें आपका बिल्कुल भी कान पे वजन नहीं आएगा और बिल्कुल आपका कान सेफ रहेगा। तो ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स थी आपके लिए। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें फ्रेंड्स, जी अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि किसी के काम आ सके, किसी हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत हो तो शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं पार्लर से रिलेटेड वीडियो लेकर आती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आपकी समझ आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो मैंने देखिए वीडियो में तीन ईयर लोब किए हैं, मैंने तीनों की वीडियो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मेरी वीडियो पर ऐसे ही बने रहें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए और भी इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाकर लेकर आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट अगेन फ्रेंड्स। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये एकदम से ठीक, ये बाद की पिक है फ्रेंड्स, ये देखो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छी सी कोई नॉलेज लेकर मैं दोबारा आती हूँ आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड मीट अगेन।